अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप ईद अच्छी गुजरी होगी। और फिर हम आ जाते हैं वापस अपने सिलेबस पे। तो हमारा सिलेबस में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर का नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। देखें, जब हम मोशन इन टू डायमेंशन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम मोशन इन प्लेन की बात करते हैं। जैसे हमने स्केलर वेक्टर में बताया था कि प्लेन जो होता है वो टू डायमेंशन होता है, यानी मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब होगा कि यहाँ पे दो एक्सिस में मोशन हो रहा होगा। अब वो दो एक्सिस कौन सी भी हो सकती हैं, सपोज करो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अगर एक बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है साइमल्टेनियसली, एक्स एक्सिस में भी परफॉर्म कर रही है, वाई एक्सिस में भी परफॉर्म कर रही है, तो हम कहेंगे इस बॉडी का जो मोशन है वो टू डायमेंशन में है। प्रीवियस चैप्टर में जो हम पढ़ के आए थे, या तो हम एक्स एक्सिस में मोशन पढ़ते थे या तो हम वाई एक्सिस में मोशन पढ़ते थे, पर अब हम दोनों एक्सिस को कंबाइन करके स्टडी करेंगे और इस स्टडी को कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द मोशन इन प्लेन is also known as motion in two dimension. अब जब हम motion in two dimension की बात करते हैं तो हमारे पास दो example आते हैं जो हम discuss करेंगे। एक होता है projectile motion, projectile motion भी two dimension motion है, और एक होता है uniform सर्कुलर मोशन, ये भी टू डायमेंशन होता है। इसको वन बाय वन जो है हम स्टडी करेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल पे होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तो आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी कोचिंग क्लासेस में, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम कहते हैं the motion of a body, the two dimension motion of a body under the action of gravity is known as the projectile motion. यानी बॉडी दो एक्सिस में मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी, और उस मोशन के दौरान बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका नाम ग्रेविटी है, तो हम ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, टू डायमेंशन टू डायमेंशन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, टू डायमेंशन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल सी डेफिनेशन। सपोज करें जैसे ये एक टावर है, अगर आप इस टावर से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं तो वो बॉडी ऐसे आएगी। अब जब आपने किसी बॉडी को किसी टावर से किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, या समझे कोई विंडो है, वो उस विंडो से मैंने किसी स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, तो ये मोशन भी टू डायमेंशन होगा, क्योंकि जैसे ही ये जाएगा इसके पास ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ये इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी। यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। क्या इस मोशन को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकता हूँ? तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस बॉडी पे कोई और फोर्स तो इन्वॉल्व नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस बॉडी पे कोई और फोर्स इन्वॉल्व है ही नहीं, ये बॉडी नीचे आ रही है ग्रेविटी की वजह से, तो हम कहेंगे ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज करें कोई फुटबॉल था, उसको मैंने ग्राउंड से किक किया, ये फुटबॉल था, इसको मैंने ग्राउंड से किक किया, जब मैं इसको किक करूंगा तो इसके पास ये वेलोसिटी आएगी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ये मेरा जो फुटबॉल है ये ऊपर जाएगा, एक सर्टेन हाइट होगी अटेन करेगा, सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद फिर नीचे आएगा। इस पूरे मोशन के दौरान फुटबॉल पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा था जिसका नाम ग्रेविटी था, तो इस मोशन को भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहूँगा। इसके बाद अगर आप देखें
मोशन ऑफ मिसाइल, तो मिसाइल को भी हम ऐसे करते हैं, अनगाइडेड मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने मिसाइल को एक वेलोसिटी देकर थ्रो कर दिया। तो जब मैंने मिसाइल को एक वेलोसिटी देकर थ्रो कर दिया तो मिसाइल अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो नीचे जाके गिरेगा। तो मैं कहूँगा ड्यूरिंग द मोशन इसके पास कोई और कोई भी फोर्स नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी थी, तो मैं इस मोशन को भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहूँगा। इसी तरीके से बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, अगर मैं किसी गन से बुलेट फायर कर रहा हूँ तो पहले गन ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाने के बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री भी कुछ इस तरीके से होगी, तो इस मोशन को भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहूँगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम एरोप्लेन के मोशन को प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं? तो एरोप्लेन भी ऐसे होता है, ग्राउंड से ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, पर हम एरोप्लेन के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। वो इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो एरोप्लेन होता है उसके साथ ड्राइविंग सोर्स होता है, उसके साथ इंजन लगी होती है, यानी वो ग्रेविटी के एक्शन के तहत नीचे नहीं आता है, उसके पास अपनी इंजन होती है, तो फिर हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, जिसके पास भी ड्राइविंग सोर्स होगा, भले वो टू डायमेंशन हो, पर जिसके पास ड्राइविंग सोर्स होगा हम कभी भी उसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सो नंबर वन, अ स्टोन थ्रोन हॉरिजेंटली, अ स्टोन थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ विंडो, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑफ मिसाइल, उसके बाद मोशन ऑफ फुटबॉल किक्ड फ्रॉम ग्राउंड, उसके बाद मोशन ऑफ बुलेट, जंपिंग ऑफ एनिमल, जंप जब लगाता है कोई एनिमल तो जंपिंग ऑफ एनिमल्स, और कौन सा मोशन है जो प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो हम कहेंगे मोशन ऑफ एरोप्लेन इज नॉट प्रोजेक्टाइल। भाई ये प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ ड्राइविंग सोर्स है। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते हैं तो हम कुछ बेसिक अजम्पशन लेते हैं, बेसिक अजम्पशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिक अजम्पशन का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं, पर हम यहाँ पे उसको थ्योरेटिकल डिस्कशन में इग्नोर करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, उस वजह से भी हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। पहला अजम्पशन हम ये लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, यानी आपको पता है कि जब मैं विंडो से कोई बॉल थ्रो करूंगा तो उस पर एयर रेजिस्टेंस का रोल ज़रूर होगा, पर जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहला अजम्पशन है नो एयर रेजिस्टेंस, या एयर रेजिस्टेंस इज बीइंग नेग्लिजिबल, ठीक है। दूसरा अजम्पशन ये होता है, जैसे आपको पता है या आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो, जैसे बॉडी हमारी ऊपर जाती है, सरफेस से ऊपर चलती जाती है, तो जी का वैल्यू डिक्रीज होने लगता है, पर हम यहाँ पे कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। सो the value of g remains constant throughout the projectile motion, दूसरा assumption। तीसरा assumption ये होता है, जैसे आपको पता है हमारे अर्थ का rotation भी है, तो हम कहते हैं अर्थ की rotation की वजह से projectile पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम कहते हैं rotation of earth does not affect projectile motion,
ठीक है, ये तीन अजम्पशंस हैं। और एक और भी अजम्पशन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो आपके बुक में नहीं है, वो ये बातें हैं कि जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। जैसे थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हम जी का वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है। तो इस तरीके से सपोज करें, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? अगर आप प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे, अगर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट अगर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल आपका ऊपर जा रहा है, और अगर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल नीचे जा रहा है। तो ये चार अजम्पशंस हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा होता है और वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा होता है। तो एक बात याद रख लें, ये जो दो मोशन होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक्स एक्सिस का मोशन वाई एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई एक्सिस का मोशन एक्स एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये अजम्पशन नहीं है, ये हकीकत है। तो हम लिखते हैं The motion along x-axis is independent. The motion along x-axis is independent. The motion along y-axis. यानी x एक्सिस का मोशन y एक्सिस को इफेक्ट नहीं करेगा, y एक्सिस का मोशन x एक्सिस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हम एक अजम्पशन ले सकते हैं। तो ये अजम्पशन नहीं है बल्कि ये हकीकत है कि एक्स एक्सिस वाला जो मोशन होगा वो वाई एक्सिस को डिस्टर्ब जो है वो नहीं करेगा। अब जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन आपसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम जब पढ़ेंगे तो एक प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे जिसको कहेंगे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल, एक होगा हमारा ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल और दूसरा हम डिस्कस करेंगे आपसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आज हम शुरुआत करेंगे, यानी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल। तो आप इसको नोट कर दें तो फिर हम ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? तो सपोज करें, जैसे मैंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया था, तो ये एक ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल है। हमने क्या किया कि फुटबॉल को एक वेलोसिटी दी और ये वेलोसिटी हमने इसको मतलब इस ऐसे थ्रो किया है कि हमने उसको वेलोसिटी वी नॉट दी है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्टाइल को कहते हैं ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल। यानी When a body thrown with a velocity v naught making an angle theta with ground, then such type of motion are known as ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल। इसको हम कहेंगे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल। अब जब हम ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। हमारा मोशन एक्स एक्सिस में भी हो रहा होगा, हमारा मोशन वाई एक्सिस में भी हो रहा होगा। तो हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस या मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जब हमने प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी दी थी वी नॉट, तो ये वेलोसिटी रिजॉल्व होगी, ये होगी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में और ये वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी,
तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होगा? अगर आप वाई एक्सिस में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम इसको वी नॉट वाई लिखेंगे, नॉट मतलब इनिशियल, और ये मिलेगा वी नॉट साइन थीटा से। यानी इसमें क्या होगा, मैं कहूंगा भाई एक प्रोजेक्टाइल को हमने 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है और उसको हमने 30 डिग्री के साथ थ्रो किया है, और मैं आपसे पूछ सकता हूं बताओ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप यहां से बता सकते हैं वाई एक्सिस का मतलब है वर्टिकल और एक्स एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको एक्स एक्सिस में चाहिए तो ये आप वेक्टर में पढ़ के आए हैं, यहां से क्या लगेगा, कॉस लगेगा। चलें भाई ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं, देखें प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है वो माइनस जी के बराबर होती है। यानी अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन की बात a इज इक्वल टू माइनस जी, और मैं बता चुका हूं माइनस जी इसलिए क्योंकि g का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है। यानी y एक्सिस में एक्सेलरेशन होगी और x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, और हॉरिजॉन्टल जो होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। यानी वर्टिकल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है और हॉरिजॉन्टल जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। यानी कुछ टाइम के बाद आप वेलोसिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो अब क्या होने वाला है, देखें जब आपकी बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते वक्त इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आपको पता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो जब प्रोजेक्टाइल आपका ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं ड्यूरिंग असेंडिंग, तो जब प्रोजेक्टाइल ऊपर चलता जाएगा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो मैं ये लिख सकता हूं ड्यूरिंग असेंडिंग क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम कांस्टेंट होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। व्हाट अबाउट वर्टिकल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी क्योंकि हम ये बेसिक अजम्पशन करके आए हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है सिर्फ वाई एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल में तो कोई होती नहीं है। ठीक है, तो ये असेंडिंग वाली बात भी आपकी क्लियर हो गई। तो आफ्टर टाइम टी आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे vy मींस फाइनल वेलोसिटी। जैसे आप इक्वेशन यूज करते हैं vf इज इक्वल टू vi प्लस at, और यहां पे जो vi है वो आप कैसे लिखेंगे, v नॉट साइन थीटा और माइनस gt। तो यहां से आपको मिल जाएगी कि आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितनी होगी, 3 सेकंड के बाद कितनी होगी, आप जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ ले आफ्टर टाइम टी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होगी। अगर मैं कहूं कि प्रोजेक्टाइल को जब मैंने थ्रो किया था तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 थी, 2 सेकंड के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ तो वो कितनी होगी, वो 30 ही होगी। पर मैं अगर वर्टिकल कहूंगा तो आप लिखेंगे भाई ये 30 है और माइनस जी टी लिखेंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट। देखें जब आपका प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा
तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती होती जीरो हो जाएगी. सो एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो. व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, सेम मींस रिमेंस कांस्टेंट या रिमेंस सेम, जो पहले थी वो बाद में भी होगी, हर जगह पे वही वही होगी. अच्छा आप एक बात याद रखें, हाईएस्ट पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक हॉरिजॉन्टल भी है एक वर्टिकल भी है. तो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी. और एक बात याद रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल की दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी. सपोज मैं अगर कहूँ एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, और मैं आपसे पूछूँ हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी उसके पास हॉरिजॉन्टल थी, मींस 30 होगी. और इस पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन. यानी हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं. उसके अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस इन टाइम टी. तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू वी आई टी वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू रखना है एस वी आई. तो वी आई में लिखूंगा वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जब बात होगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब आपको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस का फार्मूला वी इंटू टी होता है. और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो वी नॉट कॉस थीटा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ. ये इक्वेशन आपको बताएंगी कि आपके प्रोजेक्टाइल ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है. अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग डिसेंडिंग. तो ड्यूरिंग डिसेंडिंग क्या होगा, प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी अब इंक्रीज होगी, वर्टिकल वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो गया है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन रिमेन सेम, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी वही की वही होगी. अच्छा आप इन इक्वेशंस को देखें, ये इक्वेशन दोनों डिस्टेंस के लिए हैं और दोनों इक्वेशन में टी जो है वो कॉमन है, इसलिए इन दो इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है. तो दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशंस. ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है. इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि दीज आर डिपेंड्स अपॉन द कॉमन फैक्टर दैट इज टी, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो आप ये नोट कर लें तो हम इस पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. अच्छा आप ये कुछ एमसीक्यूज देख लें जो प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुके हैं. एक एमसीक्यूज नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जंपिंग ऑफ एनिमल्स प्रोजेक्टाइल मोशन है, अ स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम विंडो ये भी प्रोजेक्टाइल है,
मोशन ऑफ एरोप्लेन जो है वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा 3 ओनली। उसके बाद है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन होती है वो जी के बराबर होती है। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज असेंडिंग देन, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो क्या होता है, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी ठीक है। इट्स वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये भी होता है। इट्स वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये सब कुछ होता है, इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, अच्छा इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है पहले आप यहाँ आ जाएं। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, तो मैंने बताया प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये गलत है क्योंकि प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटीज होती है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है जो कि हॉरिजॉन्टल के बराबर होती है, तो ये कहना गलत है कि इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो, नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगी। इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो, ये तो गलत है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो कहीं पे भी नहीं होगी। इट्स वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो ये सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स एक्सेलरेशन आर, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, ये गलत है। नेवर बिकम्स परपेंडिकुलर, ये भी गलत है, परपेंडिकुलर होते हैं। बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये सही है, हाईएस्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाते हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड, फाइंड इट्स वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स। अगर आपको ऐसे कहा जाए फाइंड इट्स वर्टिकल वेलोसिटी, तो मतलब इनिशियल की बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 सेकंड तो आप यूज करेंगे वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। वी नॉट ये 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, जी का वैल्यू 10 है, टाइम जो है वो 3 सेकंड है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 यानी 50 हो जाएगा, ये माइनस का 30 मीन्स 20 होगा, तो इसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 30 आफ्टर 4 सेकंड्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हम क्या करेंगे, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है। अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब होगा प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है। फाइंड कैसे करेंगे, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी से, वी नॉट 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हाफ यानी ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 10 किस में आ रही है, प्लस में, इसका मतलब ये अभी भी ऊपर जा रहा है, सो इट इज असेंडिंग। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, आई स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, फाइंड इट्स पोजीशन, पोजीशन मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल, तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, तो 100 कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, कॉस 30 का वैल्यू 8.66 होता है, 0.866 तो मल्टीप्लाई करेगा 86.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 आएगा। वर्टिकल कैसे फाइंड करेंगे, वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो इसकी जगह वी नॉट 100 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा, इस पूरे का रिजल्ट आएगा 50 और टाइम है 2, 1/2, जी का वैल्यू 10 है, 2 का स्क्वायर है, ये 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, और 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 होगा, यानी वर्टिकल 80 हो गया। हम पहले हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, यानी पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं, तो x इसका है 173.2 और y है इसका 80, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 30 i + 70 j
फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी, यानी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हमें चाहिए। अब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी देखें कैसे मिलेगी, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का फार्मूला होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हमें पता है जिसके साथ आई लगता है वो हॉरिजेंटल होता है, और हॉरिजेंटल चेंज होगी नहीं, तो वी एक्स हमें मिली हुई है 30, वी वाई कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, तो हम वी वाई पहले फाइंड करेंगे, और उसका फार्मूला है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अब वी नॉट साइन थीटा हम इस पूरे को कहेंगे यानी 70 को, 70 जी का वैल्यू 10 और कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, तो ये 70 माइनस 30 यानी ये 40 हो जाएगा। अब वी एक्स हमें 30 मिला हुआ है, वी वाई हमें 40 मिला हुआ है, वेक्टर में हमने इसको बार बार सॉल्व किया था, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, इसका रिजल्ट आ रहा था 50। तो बगैर सॉल्यूशन के मैं कहूँगा ये 50 होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 30i प्लस 50j, फाइंड इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल के बराबर होती है, और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कितनी दी जा रही है, 30। तो हम इसका ऑप्शन ए करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाएं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आप एक फार्मूला नोट कर लें, अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ये बराबर होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये फार्मूला कैसे बना, तो कोई इशू नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल के बराबर होगी ना, हाईएस्ट पॉइंट पे वी नॉट एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे और वी नॉट एक्स का फार्मूला क्या है, वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये इनिशियल है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम इसलिए फार्मूला याद रख लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100 जोल, और कितनी एंगल से थ्रो किया था, 30 से। कास 30 का वैल्यू रेडिकल 3/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी ये मिलके 75 जूल आएगा, तो इसका राइट आंसर 75 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल। कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम रेंज की बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, कुछ और हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, तो आप इसको देख लें, अच्छे तरीके से नोट करें। थैंक यू वेरी मच।